नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। इटामा भरतना से जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने वैक्सीनेशन केंद्रों का किया निरीक्षण और निरीक्षण करते समय ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराए जाने के दिए दिशा निर्देश। मंगलवार को नगर पालिका परिषद कार्यालय में जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने SDM हेम सिंह आदि के साथ परिसर में संचालित वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने को वार्ड वार समिति गठित कर प्रत्येक दिवस 600 लोगों को वैक्सीनेशन लगाए जाने के लक्ष्य का निर्धारित करने की योजना बनाए जाने के दिए निर्देश। पालिका के वैक्सीनेशन केंद्र की व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर करते हुए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने को बल दिया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष हाकिम सिंह, CO राम आश्रय कमल, सभासद हरि ओम दुबे, CHO अध्यक्ष डॉक्टर अमित दीक्षित आदि भी मौजूद रहे। इससे पहले DM श्रुति सिंह ने देहात क्षेत्र के मेड़ी दुदी गांव स्थित परिषदीय विद्यालय में संचालित वैक्सीनेशन केंद्र का भी निरीक्षण करते हुए 45 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन करने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए थे। इस दौरान SDM हेम सिंह प्रधान, क्षितिज आदि मौजूद रहे। CHC अध्यक्ष डॉक्टर अमित दीक्षित के अनुसार मेड़ी दुधी वैक्सीनेशन केंद्र पर निर्देश अनुसार 2 बजे तक 70 लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। पेश है उदित राज न्यूज जिला इटावा से संवाददाता गौरव गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। जिले में अभियान चल रहा है, जो हमारी 45 प्लस की पॉपुलेशन है उनको पहले भी लग रहे थे वैक्सीन, लेकिन उनको सैचुरेशन करने का इसी कार्यक्रम के तहत भटना जो नगर पालिका है यहाँ पर भी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सारे सभासद बहुत एक्टिवली, मुझे बताया गया कि सब लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगातार शहर में कैंप लग रहे हैं और अच्छी संख्या में लोग डेली वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। मैंने ये सुझाव दिया है कि इस संख्या को और भी थोड़ा अगर बढ़ा लेंगे तो हमारी अगले 1-1.5 महीने के अंदर पूरी नगर पालिका सैचुरेट हो जाएगी 45 प्लस वाली भी, और जो 1844 वाले लग रहे हैं उसमें भी हम बढ़ाने का पूरा प्रयास करें, जिससे कि ये जुलाई अंत तक हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी नगर पालिका सुरक्षित है कोविड से। कोई भी इसमें अगर कहीं किसी भी हम अग्रिम किसी वेव की बात करते हैं सभी लोग मैं 45 से कम उम्र वालों को कोरोना के टीके नहीं लगाए जा रहे, जिसकी वजह से राशन डीलर उनको गल्ला नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे राशन डीलर का गले देने से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं ऐसी शिकायत होती है उसकी जांच करें। मैम, एक ऐसी महिला आई थी और जितने भी सभी को लगने हैं टीके सभी को लगेंगे, 1844 को भी लगेंगे और 45 प्लस के भी लगेंगे। एक ऐसी महिला आई थी मैम अभी यहाँ पे जिसकी उम्र 45 से कम थी, और उनका ये कहना था कि मेरे डीलर ने साफ मना कर दिया है जब आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इसकी शिकायत इंडिविजुअल केसेस की ऐसे हम डिस्कशन ना करें जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसकी शिकायत अगर आएगी उसकी जाँच होगी। अध्यक्ष जी, आज आपने DM साहब के सामने एक प्रस्ताव रखा है अपना, क्या है पूरा प्रस्ताव? जी प्रस्ताव नहीं है ये, असल में पता है क्या, हमारे जो 15 वित्त का कुछ पैसा पड़ा हुआ है जी, जो मेरे बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित होते हैं नगर के विकास कार्य, वो विकास कार्यों को हम लोग तब तक खर्च नहीं कर सकते उस ग्रांट को जब तक कि DM साहब की उसमें सहमति ना हो, क्योंकि वो हमारे 14वें 15वें वित्त की अध्यक्ष हैं। तो मेरे पास 2 ग्रांटें पड़ी हुई, एक टाइट एक अनटाइट, उसी के लिए मैंने निवेदन किया था उन्होंने, तब प्रस्ताव हमारे तैयार हैं, उन पर आप मीटिंग बुला के उनकी सहमति दे दीजिए, ताकि नगर में जो अभी कोरोना की वजह से विकास कार्य ठप पड़े हैं या रुके हुए हैं या विकास कार्यों की गति कम है, वो गतिमान हो सके, ज़्यादा स्पीड से काम हो सके, क्योंकि बरसात भी चल रही है, बस इतनी सी बात होती है। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ, धन्यवाद।